हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं DIY कर रही हूँ बहुत दिनों बाद। आज मैं बनाने जा रही हूँ माइक्रोवेव ओवन कवर एंड इंडक्शन कवर। इसके लिए मैंने जो जो सामान यूज किया है वो मैंने पहले ही मेंशन कर दिया हुआ है। यू कैन सी हियर, मैं यूज कर रही हूँ यहाँ ओल्ड दुपट्टा। देख सकते हैं आप, ये ओल्ड दुपट्टा है, इसका यूज मैं करने वाली एकदम न्यू कवर के लिए। इसके लिए मैं माइक्रोवेव ओवन को मेज़र करके इसे कट कर ले रही हूँ। सी, मैंने कट कर लिया है, इसके अकॉर्डिंग कट हो गया। अब इस पर मैं कुछ डिजाइनिंग और सिलाई का काम करूँगी। आप चाहें तो हाथ से लगा सकते हैं। ये लेस मैंने यूज किया है वाइट कलर का, जो घर में ही पड़ा था। मैंने इसके लिए कोई चीज़ बाहर से नहीं खरीदा है, सारा घर के सामान को मैंने यूज किया है। यू कैन सी हियर, मैंने लेस लगा दिया है। अब मैं यूज कर रही हूँ नेट। ये नेट बना था, उसका कपड़ा ये बचा हुआ है, तो मैं इसे डिजाइनिंग के लिए यूज कर रही हूँ। इसे फ्रिल के रूप में दे रही हूँ चारों तरफ से। सी हियर गाइस, ये रेडी हो चुका है। यू कैन सी हियर, मैंने फ्रिल के लिए आगे से लगा दिया है ये दोनों। मैंने ये एक्चुअली कॉपी किया है ऑनलाइन से, मैंने ऑनलाइन पे देखा था ऐसी डिजाइनिंग। कुछ मैंने फ्लावर यहाँ बना दिए हैं, उससे लेस लगा दिया है। इससे हैंड से मैंने इसे किया है सिलाई, बिकॉज ये मशीन से इतनी हो नहीं पाती ट्विस्टेड मेरे से। मैंने दो यहाँ लगा दिए हैं पॉकेट कुछ सामान वामान रखने के लिए। इजेंट इट लुकिंग ब्यूटीफुल गाइस, इन जीरो कॉस्ट। एक्चुअली ये सारा सामान सबके घरों में अवेलेबल होता है, तो हम इसका रीयूज कर सकते हैं और अपने सामान को कवर कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे काफ़ी धूल मिट्टी का भी टाइम भी है, काफ़ी धूल मिट्टी पड़ती रहती है, तो इसके लिए मैंने ये यूज किया है रिक्वायरमेंट को देखते हुए। मेरी जो भी DIY होती हैं वो रिक्वायरमेंट के बेस पे ही होती हैं। सो फॉलो मी गाइज फॉर मोर क्रिएटिव आइडियाज़। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज संडे आने वाला है और संडे को ही मेरा मोस्टली मैं ये पब्लिश करती हूँ। तो आप आराम से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को देखकर अपनी आइडियाज़ ऐड ऑन कर सकते हैं, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ आई एम मेकिंग इंडक्शन कवर। उसी में से लेफ्ट ओवर क्लॉथ है, उसी दुपट्टे का, उससे मैंने नाप ले लिया है ऐसे करके। थोड़ा छोटा था तो मैंने उसे ऐड कर दिया है लेस की हेल्प से, जो दिख नहीं रहा है कि उसमें मैंने अलग से लगाया है। और ये नेट देख सकते हैं, मेरी बेटी के कपड़े का ये बाजू का है, जो मैंने फ्रिल के रूप में यहाँ यूज किया है। ऐसे ही मैंने फ्लावर यहाँ बना दिए हैं, सेम उसी तरीके से मैंने ये डिजाइनिंग की है, क्योंकि ये मुझे देखने में अच्छा लगा है। होप आपको भी मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।